हेलो आदाब, और अभिनंदन आप सभी को मेरे YouTube चैनल जसवास बायोलॉजी में। मैं देव जसवाल, एक विज्ञान शिक्षक, और मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ मेरे जो कोचिंग और YouTube चैनल जसवास बायोलॉजी और कोचिंग मास सरस्वती ट्यूशन सेंटर का 10th ऑनलाइन क्विज का वीडियो लेकर। और ये जो वीडियो है ये है क्लास 5 से लेकर 8 तक, और चैप्टर का जो नाम है वो है फोर्स एंड मोशन। So, आप सभी अच्छा से खेलिए, अच्छा से नॉलेज गेन कीजिए। अगर कोई समस्या है तो वहां पर कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। यही बोलते हुए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक देते हुए मैं अपना जो वीडियो है, जो क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आरंभ करने जा रहा हूँ। जितना भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, एक तो जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स का है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 25, तो ऑल टुगेदर आज का जो कुल मार्क्स है वो 25 है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज फोर्स? ऑप्शन नंबर ए पुल, ऑप्शन नंबर बी पुश, ऑप्शन नंबर सी पुश एंड पुल बोथ, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन? ऑप्शन नंबर ए पोजीशन ऑफ रेस्ट, ऑप्शन नंबर बी पोजीशन ऑफ मोशन, ऑप्शन नंबर सी बोथ बाय द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज मेजर्ड बाय, ऑप्शन नंबर ए वेट, ऑप्शन नंबर बी मास, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीट्यूड, ऑप्शन नंबर डी लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 4, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए मस्कुलर फोर्स, ऑप्शन नंबर बी ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस, then net force acting on two forces is, option number a sum of the two factors, option number b difference between two forces, not factors, sorry forces, option number a is sum of two forces, option number b difference between two forces, option number c both of these, option number d none of these. Question number 6, magnetic force is, ऑप्शन नंबर ए अ कॉन्टैक्ट फोर्स, बी अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7, फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मे चेंज, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर बी शेप, ऑप्शन नंबर सी स्पीड, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 8, लीव्स और फ्रूट्स फॉल ऑन द ग्राउंड ड्यू टू, ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन नंबर बी ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन नंबर डी मस्कुलर फोर्स। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉय पुल्स फ्रॉम हिज हाउस टू हिज स्कूल बाय बस एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक थ्रू द सेम रूट एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ हिज जर्नी इज, ऑप्शन नंबर ए 24 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी 25 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी 30 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी 20 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 10, द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी ऑफ मास 1 केजी विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, द मास ऑफ अ बॉय इज 50 केजी, His weight will be, option number A 500 kg, option number B 500 newton, option number C 50 newton, option number D 5 newton. Question number 11, iron filings get attracted towards a bare magnet because of the presence of, ऑप्शन नंबर ए ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन नंबर बी फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 12,
Moon revolves around Earth because of the presence of option number A, gravitational force, option number B, frictional force, option number C, magnetic force, option number D, electric force. Question number 13. Force is defined as option number A, a push or pull, option number B, mass per unit volume, option number C, the ability to do work, option number D, the movement of charged particles. Question number 14. Trenton is pulling a bucket full of water out of a well. What is Trenton working against? Option number A, Trenton is a name. Option number A, gravitational pull of earth. Option number B, magnetic field of earth. Option number C, elasticity of the rope. Option number D, tension in the rope. Question number 15. A force of 60 Newton acts on an area of 50 centimeter square. What is the pressure in Pascal? A force of 60 Newton acts on an area of 50 square centimeter. What is the pressure in Pascal? Option number A, 3200 Pascal. Option number B, 4200 Pascal. Option number C, 5200 Pascal. Option number D, 2200 Pascal. Question number 16. Blake is pulling the box kept on the ground and he is applying force against. Option number A, load. Option number B, friction. Option number C, tension in rope. Option number D, gravity of earth. Question number 17. A force of 300 Newton while acting on an area A produces a pressure of 1500 Pascal. What is the magnitude of A in a square centimeter? Option number A, 1000 square centimeter. Option number B, 3000 square centimeter. Option number C, 4000 square centimeter. Option number D, 2000 square centimeter. Question number 18. What force will produce a pressure of 50,000 Pascal on an area of 0.20 square meter? Option number A, 10,000 Newton. Option number B, 5,000 Newton. Option number C, 15,000 Newton. Option number D, 20,000 Newton. Question number 19. A rectangular block of mass 2 kg is lying on the ground. What will be the thrust on the surface of the ground due to the block? Option number A, 16.6 Newton. Option number B, 18.6 Newton. Option number C, 19.6 Newton. Option number D, 20.6 Newton. Question number 20. A force of 500 Newton acts on an area of 0.05 square meter. What will be the pressure in exerted? Option number A, 10 to the power 4 Pascal. Option number B, 10 to the power 5 Pascal. Option number C, 10 to the power 6 Pascal. Option number D, 10 to the power 7 Pascal. Question number 21. What will be the area of a body which experiences a pressure of 6000 Pascal by a force of 120 Newton? Option number A, 1 divided by 500 square meter. Option number B, 1 divided by 5000 square meter. Option number C, 1 divided by 5 square meter. Option number D, 1 divided by 50 square meter. Question number 22. What is the magnitude of force required in Newton to produce a pressure of 27,500 Pascal on an area of 200 square centimeter? Option number A, 650 Newton. Option number B, 750 Newton. Option number C, 550 Newton. Option number D, 450 Newton. Question number
23. What do we get by the product of mass and velocity? Option number A, force. Option number B, inertia. Option number C, momentum. Option number D, Newton. Question number 24. When we stop pedaling the bicycle, it stops after some time because option number A, the earth's gravitational force acts on it. Option number B, it is not accelerated. Option number C, no unbalanced force acts on it. Option number D, frictional force acts on it. So now this is the last question, question number 25. The SI unit of force is option number A, kg meter per second. Option number B, kg meter per square second. Option number C, Newton. Option number D, Newton meter. So as I said, जो मेरे आज का जो वीडियो है 25 का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक मार्क्स का, फुल मार्क्स है 25, ऐसे ही समाप्त होता है. और आप सभी को अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अपना नेम और फेम अर्न करने के लिए, अच्छा से अच्छा खेलकर और पुरस्कृत होने के लिए मैं शुभकामना देते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ. नमस्ते, धन्यवाद.